दोस्तों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी आपका साथी, और हम आईआईटी जेई का क्वेश्चन देख रहे हैं। इफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस एक्स, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, देन पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज व्हाट। तो सबसे पहले हमें एफ ऑफ एक्स की जानकारी निकालना है। तो आप ज़्यादा समय लेते नहीं और काम पे आ जाते हैं। आपको जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, एफ ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स, और दूसरा कंडीशन दिया हुआ है एफ ऑफ बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी प्लस एक्स। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए हम क्या कर दें, तो एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए यहाँ पर अगर मुझे चाहिए कि एक्स आ जाए, तो मुझे ए प्लस एक्स को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, कैपिटल एक्स से रिप्लेस कर दूंगा। तो ये देखिएगा, ये यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास, ए माइनस स्मॉल एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल एक्स का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल एक्स माइनस ए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ कैपिटल एक्स। ये देखिए, इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देख लें आप, माइनस इंटू माइनस प्लस टू ए माइनस एक्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, तो आप संभल के रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। और अगर इसी तरीके से मैं बी प्लस एक्स को कैपिटल एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ, तो मुझे सेम ऐसी कंडीशन यहाँ मिल जाएगी, टू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू कंडीशन कैन आई से इट्स दे मीन्स फंक्शन इज हैविंग पीरियड्स 2a एंड 2b? नो। तो आपको पीरियड जानना होगा, पीरियड इज व्हाट, पीरियड एफ ऑफ एक्स का पीरियड है t। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज t व्हेन एफ ऑफ एक्स प्लस t इज एफ ऑफ एक्स। लेकिन t क्या होना चाहिए, t स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होना, t स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल वैल्यू होना। टी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल वैल्यू क्या मतलब इसका, तो इसका ये मतलब है दोस्तों, जैसे साइन एक्स है तो साइन एक्स का पीरियड हम क्या कहते हैं, तो साइन एक्स प्लस व्हाट इज इक्वल टू क्या आता है, साइन एक्स आता है। तो साइन एक्स प्लस टू पाई करते हैं तो भी साइन एक्स आता है, साइन एक्स प्लस फोर पाई करते हैं तो भी साइन एक्स आता है, सिक्स पाई करते हैं तो भी साइन एक्स आता है। तो ये टू पाई फोर पाई सिक्स पाई में ये t जो है वो क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए, इसलिए इसका पीरियड 2 पाई है, ना कि इसका पीरियड 4 पाई है। तो आपको दो बातों को ध्यान रखना है कि t स्मॉलेस्ट होना चाहिए, t पॉजिटिव होना चाहिए। तो और दूसरी बात है कि कंडीशन इस तरह से लगेगी, x प्लस टी, या फिर ऐसी लगेगी t प्लस x। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो इसके इन दोनों के पीरियड्स 2a या 2b नहीं हो सकते। तो फिर क्या हो सकते हैं, तो फिर इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि दोनों ही एफ ऑफ एक्स के बराबर हैं। तो इनसे हो गया एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टू बी माइनस एक्स। क्लियर है क्या मेरी बात। अब मैं टू ए माइनस एक्स को यहाँ पे, मैं टू ए माइनस एक्स की जगह, टू ए माइनस एक्स की जगह मैं एक्स लाना चाहता हूँ, तो स्मॉल एक्स भी रख सकते हैं, नहीं जमता आपको कैपिटल वाई रख दें तो कैपिटल वाई रख दिया, या स्मॉल वाई रख दिया, या स्मॉल एक्स रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास देखिए क्या होने वाला है, हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ कैपिटल वाई, देखिए एफ ऑफ कैपिटल वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ ऑफ टू बी माइनस माइनस टू ए माइनस एक्स। ये रिजल्ट आएगा आपके पास एफ ऑफ टू बी माइनस टू ए प्लस एक्स, ये सॉरी वाई आएगा यहाँ पर, तो ये वाई आ गया, ये वाई आ गया। तो इससे फंक्शन का पीरियड क्या हो गया, तो वाई रखने से या एक्स रखने से पीरियड में कोई अंतर नहीं आता है, इसको आप एफ ऑफ वाई लिख दो या एक वाई हटा के यहाँ एक्स लिख दो, तो इसका पीरियड क्या ये हो गया क्या, टू बी माइनस टू ए। तो ये टू बी माइनस टू ए इसका पीरियड नहीं हो सकता है, क्यों, लेकिन कंडीशन क्या कहती है कि एफ ऑफ टी प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स होना चाहिए, या एफ ऑफ टी प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई होना चाहिए। पर ये भी कहती है कि टी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव स्मॉलेस्ट
और 2b-2a क्या है? तो आप ये कंडीशन पे ध्यान दें, a ग्रेटर देन b है तो 2b-2a लेस देन 0 है और पीरियड पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आपके पास यहाँ a ग्रेटर देन b है इसलिए इसका पीरियड 2b-2a नहीं हो सकता है, ये पीरियड नहीं हो सकता है। फिर क्या करें हम? तो फिर आपको एक काम करना है कि जैसे आपने यहाँ पर ध्यान से सुनिए, जैसे आपने यहाँ पर 2a-x को y लिखा है उसी तरीके से आप एक काम करिए 2b-x को y लिखिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ आ जाएगा 2a-x का वैल्यू आएगा 2b-y और यहाँ आ जाएगा आपका f of y। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a-2b+y = f of y। तो इसका पीरियड 2a-2b होगा, क्योंकि 2a-2b क्या है? ग्रेटर देन 0, 2b-2a नहीं हो सकता, देयरफॉर इट्स पीरियड इज व्हाट? 2a-2b। तो होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9196856980 56 9805 6, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, PhD इन मैथमेटिक्स ओनली और वाइस प्रेसिडेंट अवार्डी, ढेर सारे रिसर्च पेपर मेरे पब्लिश्ड हैं और मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स आगे आएं, मैथमेटिक्स में और आगे आएं, अच्छे से अच्छा करें, मेरी बेस्ट विशेस हैं। अब तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे रिलेटेड लीनियर इनक्वालिटी, डोमेन, रेंज, इंजेक्टिविटी, बाइजेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी, इन्वर्टिबिलिटी सब कुछ दिया है, आप धीरे धीरे करके देखते रहें। ऑल द बेस्ट।